नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वेलफेयर में। सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों से रिलेटेड सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ फौजी जवानों व रेलवे कर्मचारियों के लिए 11 सितम्बर 2018 की दो बड़ी व लेटेस्ट न्यूज, सेना में सबसे बड़ा बदलाव। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों, आज की हमारी पहली खबर सभी फौजी जवानों के लिए है। दोस्तों, ये न्यूज़ अपडेट की गई है आज तक न्यूज़ द्वारा 10 सितंबर 2018 को। सेना में बड़े बदलाव की योजना, अधिकारी और जवानों की संख्या घटाने पर विचार कर रही है सेना। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों, जनरल श्री बिपिन रावत की योजना अमल में आती है तो अगले साल के मध्य तक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। दोस्तों, ब्रिगेडियर रैंक खत्म हो सकता है, मेजर जनरल पद में रिटायर हो सकते हैं अधिकारी। दोस्तों, सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत सेना में बड़े स्तर पर पुनर्गठन की योजना पर काम कर रहे हैं। इससे सेना को आधुनिक हथियार प्रणाली खरीदने के लिए अतिरिक्त धनराशि की बचत होगी। जनरल रावत की योजना के पहले चरण में सेना में अधिकारियों और जवानों की संख्या 50,000 तक घटाई जा सकती है। दोस्तों, सेना की योजना इस बदलाव को अगले साल के मध्य तक अमल में लाने की है। दोस्तों, इससे शुरुआती तौर पर राष्ट्रीय राइफल्स महानिदेशालय और जम्मू कश्मीर शिफ्ट करने सैन्य प्रशिक्षण महानिदेशक को शिमला स्थित सैन्य प्रशिक्षण कमान भेजने और एक जैसा काम करने वाले वह सूचना प्रौद्योगिकी निदेशालय को मिलने जैसे अहम कदम उठाए जा सकते हैं। दोस्तों इस साल के अंत तक आएगी रिपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, जनरल रावत ने सैन्य सचिव शाखा और परिप्रेक्ष्य योजना निदेशालय को 3 अलग अलग अध्ययन करने को कहा है। उन्होंने इस साल के अंत तक अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा है। दोस्तों, दोनों को मिलाकर एक बनाया जाएगा और फिर रक्षा मंत्रालय को आगे की कार्रवाई के लिए सौंपा जाएगा। दोस्तों, सेना में ब्रिगेडियर की रैंक को खत्म करने की पहल से ज्यादातर अधिकारी मेजर जनरल के रैंक से रिटायर हो सकेंगे। दोस्तों, यह प्रशासनिक सेवा के जॉइंट सेक्रेटरी के स्तर का पद होता है। दोस्तों, प्रस्ताव में इस पर कोई फैसला हो सकता है। राष्ट्रीय राइफल के महानिदेशक को जम्मू कश्मीर के उधमपुर भेजने के पीछे का कारण बताया जा रहा है कि महानिदेशक को राज्य के तमाम अभियानों के प्रमुख उत्तरी कमान के कमांडर के संपर्क में रहने की जरूरत होती है, लेकिन ये ग्राउंड जीरो पर मौजूद सैनिकों से दूर दिल्ली में मौजूद रहने के चलते कई तरह की अड़चनें आती हैं। दोस्तों, निदेशालयों का होगा विलय। जी हाँ दोस्तों, 2 दशक पहले सैन्य प्रशिक्षण कमान बनाई गई थी। यह सैन्य बल की सभी प्रशिक्षण जरूरतों का ध्यान रखती है, लेकिन सैन्य प्रशिक्षण महानिदेशालय अब भी मौजूद है दोस्तों और नई दिल्ली से काम कर रहा है, जबकि इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। दोस्तों, अगर ये लोग ARTRAC मुख्यालय में बैठते हैं तो उनका बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसा ही सूचना प्रौद्योगिकी निदेशालय और सूचना प्रणाली निदेशालय भी एक जैसा ही काम कर रहे हैं, लेकिन दोनों का ऑपरेशन अलग अलग होता है। दोस्तों, इसीलिए दोस्तों दोनों को मिलाया जा सकता है। दोस्तों सूत्रों के मुताबिक मुख्यालय के पुनर्गठन से सिर्फ दिल्ली से 300 अधिकारी कम किए जा सकते हैं। दोस्तों, बल्कि पुनर्गठन के पहले चरण में 13 लाख की मजबूत सेना में से 50,000 अधिकारियों और जवानों की कटौती की जा सकती है। दोस्तों, आगे चलकर ये आंकड़ा 1.5 लाख तक भी पहुंच सकता है। दोस्तों, खर्च घटाने, सैन्य कटौती पर फोकस। जी हाँ दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक राजस्व और पूंजीगत खर्च में सेना का मजबूत खर्च अनुपात 83.17 है। यह नौसेना और वायुसेना के मुकाबले काफ़ी कम है। दोस्तों, दोनों सेना 65:35 के अनुपात को बनाकर रखते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि वे अपने लिए आवंटित राशि का 65% वेतन, उपकरण के रखरखाव और श्रम बल पर खर्च करते हैं, बाकी 35% राशि नई हथियार प्रणाली की खरीद पर खर्च की जाती है। दोस्तों जो 4 स्टडी ग्रुप सेना के पुनर्गठन के लिए काम कर रहे हैं वे हैं, सेना का पुनर्गठन, ब्रिगेडियर रैंक खत्म करने पर विचार। दूसरा है दोस्तों, सेना मुख्यालय का पुनर्गठन, अलग अलग काम कर रहे कुछ अंगों को एक साथ मिलाया जाएगा। दोस्तों, तीसरा है दोस्तों, ऑफिसर कैडर रिव्यू। चौथा है दोस्तों, JCO रैंक के सैनिकों के काम करने के तरीके पर पुनर्विचार करना। दोस्तों, दूसरी बड़ी खबर रेलवे कर्मचारियों के लिए है।
रेलवे में 10 वर्ष नौकरी करने के बाद पुत्र को दिला सकेंगे नौकरी। जी हाँ दोस्तों, रेलवे अब अपने कर्मचारियों को एक और नया उपहार देने की योजना बना रहा है, जिसमें रेलवे कर्मी 10 वर्ष तक नौकरी करने के बाद अनिवार्य सेवानिवृत्ति लेकर अपने पुत्र या आश्रितों को नौकरी दिला सकता है। पहले ये नियम 30 वर्ष था, फिर 20 वर्ष हुआ और अब 10 वर्ष के लिए किया जा रहा है दोस्तों। ऐसे में कई रेलवे कर्मी के पुत्र या फिर परिजन लाभान्वित होंगे दोस्तों। सूत्रों के अनुसार रेलवे बोर्ड नौकरी छोड़ो और नौकरी पाओ स्कीम में परिवर्तन को लेकर उच्च स्तर पर अधिकारियों द्वारा बैठक की जा रही है, जिसमें सेफ्टी कैटेगरी के तहत कम से कम 10 वर्ष की अनिवार्यता तय की है दोस्तों। दोस्तों खबर यह भी है कि इस कैटेगरी के विभाग में पहले 33 वर्ष साल की सेवा अनिवार्य तय की गई थी दोस्तों, इसके बाद 20 वर्ष किया गया और अब 10 वर्ष किए जाने की खबर है दोस्तों। खबर यह भी है कि लोको पायलट के पद पर 10 वर्ष रेलवे में सेवा कर चुकी कर्मचारी VRS के तहत अपने बेटे या किसी भी आश्रित को नौकरी दिला सकेंगे। इसके अलावा दोस्तों गैंगमैन फीटर हेल्पर सहित पदों पर भी 10 वर्ष से कार्यरत कर्मचारियों द्वारा VRS लेकर उसी पद पर नौकरी दी जाएगी दोस्तों। उसी पद पर नौकरी पाने वालों में तकनीकी दक्षता को पहले प्राथमिकता मिलेगी दोस्तों। दोस्तों रेलवे बोर्ड द्वारा किए गए इस नए बदलाव को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं, हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी है दोस्तों। लेकिन रेलवे बोर्ड द्वारा लिया गया निर्णय कई रेलवे कर्मचारियों के चेहरे पर खुशियां जरूर ला सकेगा, जिससे उनके परिवार के सदस्य अपने परिवार को आगे भी बेहतर भरण पोषण कर सकेंगे दोस्तों। दोस्तों ये थी आज की दो बड़ी खबरें सभी फौजी जवानों और रेलवे कर्मचारियों के लिए। दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपके लिए यूजफुल रहती है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। इसी के साथ दोस्तों जय हिंद जय भारत, आपका दिन बहुत ही ज़्यादा शुभ रहे।